airport. Yeah, airport. It's really good. Yes, Indra. सेना एक मऊ रेजिमेंट के इस वीर सैनिक ने यहीं पर अपने देश के लिए लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करी और यहीं के ऑपरेशन से हम श्रीनगर के एयरफील्ड को और कश्मीर को कबालियों से और पाकिस्तानियों से बचा पाए। ओवरऑल अभी हालात थोड़ा फ्रजाइल है पर ठीक है। मैं किश्तवाड़ के बारे में तो बात करना नहीं चाहूँगा पर कश्मीर के अंदर ओवरऑल पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं जो कि हमारा मेन है। ये जो लोकल यूथ का रिक्रूटमेंट है ये एक दिन का नहीं, पिछले एक साल से, पिछले दो साल से हो रहा है, पर पिछले दो महीने में हमने इसमें भी थोड़ा कम हो रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि कुछ समय के बाद कश्मीर के यूथ सही रास्ता देखेंगे और उनका रिक्रूटमेंट कम होगा। सर, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्ट है। मेरे विश्वास से ISJK का यहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं। हम देख रहे हैं, पहली बात, ये स्नाइपर नहीं बल्कि एक अच्छा फायर करने वाला जो कि दूर से नाइट साइड से फायर कर सकता था वो था, जिसको कि हमने उसके आने के, हिंदुस्तान में आने के, कश्मीर के आने के कुछ दिन बाद ही नकारा, बर्बाद कर दिया है। और उसी तरीके से अगर और हैं तो उनको भी हम बर्बाद करें। अभी मौसम जो पिछले दो दिन से ख़राब हुआ है उससे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन कुछ समय बाद कम होगा, पर अभी इन्फिल्ट्रेशन पूरे इलाके में उसी तादाद से चल रहा है जो कि पिछले 3-4 महीने। हमारा मकसद है कि इलेक्शन के टाइम पर पूरी शांति रहे और इसी के लिए पुलिस, CRPF और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में हमारी मदद यह रहेगी कि ऐसा वातावरण बने जिसमें कि इलेक्शन शांतिपूर्वक हो। बहुत कमी है पर हाँ, उस ऑपरेशन में हमको ज़रूर एक M4 राइफल जिसके साथ में शायद नाइट साइड भी थी मिली। थैंक यू।